अपने गिफ्ट के जरिए प्यार बांट सके। सही कहा समायो, तुम कितनी होशियार हो। चलो जल्दी से मेरे गाल खींच लो। नहीं। पर ये गिफ्ट डे क्यों मनाया जाता है? गिफ्ट डे मनाया जाता है ताकि दुनिया में सब लोगों के बीच प्यार बना रहे। चामा, मुझे नई जूता चाहिए। मेरे पास बुक तो है लेकिन लिखने के लिए पेंसिल नहीं है। मैंने पिछले एक साल से केक नहीं खाया है। मैं दूसरों की पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता हूँ। ओबो फैमिली हमेशा से इस दिन पर गिफ्ट्स देती आई है ताकि वो लोगों में प्यार बांट सके। और ये गिफ्ट्स हम गरीब लोगों में बांटकर उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। पता है, पिछले साल हमने गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया था। मुझे मेरे पापा हमेशा यही सिखाते हैं। जामा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हमारा फर्ज है खुद से कम नसीब वालों की मदद करना। ये तीनों बहुत अमीर लगते हैं, इन्हें खुद पर बहुत घमंड होगा। बच्चों, हमारे नए स्टूडेंट का स्वागत करो। इसका नाम है बिनबो ताइजू। हेलो, मेरा नाम है बिनबो ताइजू। लेकिन तुम सब चाहो तो मुझे प्यार से बिनबो बुला सकते हो। एक वक्त था जब मेरे परिवार का नाम शहर में बहुत ज्यादा था और हम बहुत अमीर भी थे। ओह, किसी की पेंसिल गिरी है। देखो, अगर मैंने इसे पहले उठा लिया ना तो ये मेरी हुई। मुझे इसके कपड़े पसंद आए। पेंसिल मेरी हुई। आज मेरा और मेरे परिवार का बुरा वक्त चल रहा है। आज मेरे कपड़े आधे हैं, पर हम एक टाइम पे बहुत अमीर हुआ करते थे। बिनबो के पिता हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी वजह से आज कई गांवों में स्कूल बने हैं, इसलिए इसके साथ मिलजुल कर रहो। ओ, तो तुम हो वो चामा। मुझे तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारी हर एक चीज से जलन होती है। बहुत ही ज्यादा जलन होती है। तुम्हारे गाल इतने गोल और लाल हैं। अच्छा अच्छा खाना खाते होंगे, मुंह पर अच्छी क्रीम लगाते होंगे, तभी तो इतने सॉफ्ट है। मुझे तुमसे और जलन हो रही है। इतनी तारीफ कि दिल हिरन हिरन हो गया। अरे, वो जलता है तुमसे। चलो चलो, बहुत हो गई बातें, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर, मैं इन लोगों से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। बिनबो पहले अमीर था, पर अब उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं है। वो बाकी बच्चों के इरेजर चुराता है और उसे नया शेप देकर दूसरे स्कूल के बच्चों को बेच देता है। वो लोगों के पेन, पेंसिल सब चोरी कर लेता है। बिनबो, वो पेन मेरा है, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे, मैं लिखूंगा कैसे? मैं आज एक ही पेन लेकर आया हूँ। मेरा पेन दे दो बिनबो, मेरा पेन वापस दे दो। अरे, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मेरा पेन लौट आओ। पुलिस को क्यों दिया? ये तुम्हारा पेन है, ठीक है, मान लिया। 10 बार उठक बैठक करो और ले लो। कैसी उल्लू बनाना? हमें उल्लू मत बनाना। बिनबो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार गिफ्ट डे पर जो तुम्हें चाहिए वो ला कर दूंगा। बस ये उल्टे सीधे काम बंद कर दो। हटो। मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरे परिवार का नाम आज भी बहुत है। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, समझे तुम चामा? नहीं, मुझे सच में गिफ्ट देने का मन है। बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा ना, कुछ नहीं चाहिए। मेरा पीछा मत करो। जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा घर ये है बिनबो? इतना बड़ा? हाँ, ये हमारा महल था, पर अब बस दरवाजा रह गया है। सिर्फ गेट अच्छा है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। देखो, आना है तो आओ वरना चले जाओ। मम्मी, ये ओबो परिवार का वारिस ओबो चामा है। मैं हूँ समायो। मेरा नाम काकिनो है। और मैं ओबो परिवार का वारिस। पता है, मेरी मम्मी आज होती तो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती, क्योंकि तुम इतने क्यूट और गोल मटोल दिखते हो। और फिर शायद मुझे तुमसे और ज्यादा जलन होती। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है? ये उनकी फोटो है। तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम तो अच्छा खाना खाते होगे ना, तुम अमीर जो हो। तुमने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। बाहर निकलो बिम्बो।
मेरे पैसों का इंतजाम हुआ क्या? मैं बिना पैसों के यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल का खर्चा जो मैंने दिया था वो मुझे वापस चाहिए। अंकल आप ऐसे चिल्लाएंगे तो हम डर जाएंगे। अंकल को डराएंगे, खूब मजे आएंगे, अंकल को डराएंगे। अंकल आपको जितने भी पैसे चाहिए मुझसे आप उतना ही सोना ले जाइए। सोना असली है क्या? यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं। ये बच्चा हमें अमीर बना देगा। क्या कर रहे हो अंकल? देखो और कुछ भी है क्या? छोड़िए, उसको जरूर मिलेगा। शैतान बच्चे। मेरी मम्मी की फोटो। ये बच्चे नहीं है, कौन है? मैंने मम्मी के जाने के 6 महीने बाद उनकी पेंटिंग बनाई थी। उनकी फोटो से हमें बहुत हौसला मिलता था। हम लोग बहुत गरीब हैं, पर उनकी फोटो देखते हैं तो लगता है वो हमें देख रही है। हमारे अच्छे दिन आएंगे। तुम फिर से पेंटिंग क्यों नहीं बना लेते? फिर से कैसे बनाऊं? मेरे पास तो उनकी कोई पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं है। चाबा, मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। हाँ, बताओ ना क्या गिफ्ट चाहिए बिनबोर? मुझे मेरी मम्मी चाहिए। लाओ तो मुझे मेरी मम्मी दो चाबा। दो 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 ना। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारी मम्मी? तुमने ही कहा था ना गिफ्ट पर जो मांगूंगा वो दोगे। अब दो मुझे। हर चीज पैसों से नहीं खरीद सकते चाबा। बेचारा चामा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वापस आ गई मेरे बच्चों। तुम सब ऐसे शांत क्यों खड़े हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मम्मी वापस आ गई। मम्मी आ गई। मम्मी आ गई। आज के दिन पूरी दुनिया गिफ्टें मनाती है। चलो आज हम सब भी ये दिन मनाएंगे। चलो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। तुम सब न जाने कितने दिनों से भूखे हो। मम्मी आप क्या बनाने वाली हो? आप वापस तो नहीं जाओगी ना? अब यहाँ कैसे आ गई? ओबो जामा ने तुम्हें गिफ्ट देने का वादा किया था ना? क्या किया तुमने? कल मैंने दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स और सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी की मदद से तुम्हारे लिए रोबोट मम्मी बनवा दी। रोबोट? ये मम्मी बहुत तेजी से काम करती है और सब कुछ बना लेती है। ये तुम्हें अच्छे से खाना खिलाएंगी, फ्रूट खिलाएंगी, जूस पिलाएंगी, तुम्हारा ध्यान रखेंगी, यहाँ तक कि खुद शॉपिंग भी करके आएंगी। मैं सोया सॉस लेने जा रही हूँ। कोई चलेगा मार्केट तक मेरे साथ? हाँ मम्मी। चलो मैं जल्दी वापस आती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी आना मम्मी। तुम खुश हो ना हो, तुम्हारे भाई बहन इस गिफ्ट। बहुत जल्द हमारे स्कूल में मैराथन की रेस होने वाली है। पक्की खबर है। इस बार जीतने वालों को बहुत ही अलग मेडल्स मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट आएगा उसको डायमंड मिलेगा, सेकंड आएगा उसको एमरल्ड और थर्ड आएगा उसको गोल्ड। क्या? जो थर्ड आएगा उसको गोल्ड? लगता है हमारे स्कूल की लॉटरी लग गई है। ओबो जामा आ रहा है।
इतनी दूर से हाफने की आवाज आ रही है और ये कहता है जीतेगा। चमा चमा तुम्हें तो पसीना आ रहा है। चमा जरा अपनी नब्ज चेक करने दो। भागते भागते भूख लग रही है। ले लीजिए चमा, ये आपका सबसे पसंदीदा खाना है, खा लीजिए। भागना बहुत मेहनत का काम है, खाना बनाते रहो। मैं हर हाल में मैराथन जीतूंगा, देख लेना। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वही जीतेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उबो चमक के जीतने का कोई चांस नहीं है। सुना तुम लोगों ने, सब लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। अकल के दुश्मन, वो तुम्हारी हारने की बात कर रहे हैं। कितना स्मार्ट है ये, वो स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है। मैंने सुना है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लेके यहाँ आया है। देखो वो आ गया। वाओ, वो इसी तरफ आ रहा है। गुड मॉर्निंग। बेचारे के भागने के लिए पैर थोड़े छोटे हैं। छोटे कहाँ, कितने लंबे हैं। हाँ हाँ होंगे, पर मुझे नहीं लगता ये तेज भाग पाएगा। भाग पाएगा। शुभ शुभ बोलो। वो तो यही देख रहा है। तुम बहुत क्यूट हो। किसे देखकर बोला इसने? मैंने तय कर लिया है, अगर मैं मैराथन जीतूंगा तो मैं अपने फेवरेट दोस्त को अपना डायमंड दूंगा और अपना सारा वक्त अपने फेवरेट दोस्त के साथ ही गुजारूंगा। फेवरेट दोस्त? लगता है वो समायोजन की बात कर रहा है। फिर तो बहुत ही बुरी बात है। वो दिखता अच्छा है, अच्छा खासा मस्का भी लगा लेता है, देखना वो समायोजन से दोस्ती करके ही रहेगा। मैं परमिशन नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो परमिशन देने वाले? तुम क्या समायोचान के बॉस लगते हो जो ऐसा कह रहे हो? सब जाए बाहर में, मैं ही ये मैराथन जीतूंगा और मैं भी अपना डायमंड समायोचान को दूंगा। मेरी कुकीज की कसम, समायोचान मेरी बचपन की दोस्त है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। आ गया, मैराथन का दिन आ गया। ये रेस तो मैं जीत कर रहूंगा। लाल सेब मैं इसे खाऊंगा और रेस जीत जाऊंगा। मैं ही जीतूंगा, तुम देख लेना। रेडी? जीतना होगा, मुझे जीतना होगा। ओ चमा, मुझे और भागा नहीं जा रहा। मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा, मुझे मेरी टीम के साथ भागने की आदत है। भागना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। थैंक यू। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, समझे? मजा आएगा। अरे वाह, ऑटोग्राफ। ये लो मेरे सारे पैसे, ले लो और मुझे ऑटोग्राफ दे दो जल्दी से, प्लीज। क्या कर रहे हो वो चमा? मैं अपनी फेवरेट स्टार का ऑटोग्राफ ले रहा हूँ। ऑटोग्राफ के चक्कर में फंसे हो और वाकदाई तुमसे आगे निकल गया। क्यों है ये बिल्डिंग, यहाँ कहाँ से आ गई? कल तक तो ये बिल्डिंग यहाँ नहीं थी, आज कैसे आ गई? वही तो मैंने कहा। मैंने पैसे देकर इस बिल्डिंग को एक दिन में खड़ा करवाया है, अब तुम लोग ये रेस हार जाओगे बच्चों। ये दोस्त है कि दुश्मन? हमें इस बिल्डिंग को पार करने का तरीका ढूंढना होगा। क्यों? हेल्पर मिलिट्री टीम, सुरंग खोदो। बस थोड़ी देर में हमारे लिए सुरंग बन जाएगी। ये मैराथन तो कुछ और ही बन गया। हमने कर दिखाया। सुरंग बन चुकी है, अब आप जा सकते हैं चामा। हम बिल्डिंग के इस पार आ गए।
अब हमें बहुत तेज भागना पड़ेगा। अरे बचाओ, 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 अरे बचाओ, बचाओ, मुझे डर लग रहा है। वहीं रुको, हम आ रहे हैं। ओ बचाओ, मुझे बचाओ, ओ बचाओ, बचाओ, जल्दी बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। पकड़ लिया। फुकरो को जी, तुम्हारा प्लान अच्छा था। क्या? फुकरो को जी, रेस तुम्हें जीतोगे। क्यों? फुकरो को जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो चीटिंग पर चीटिंग कर रहा है। फुकरो को जी को तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। वाकादार तो रॉकेट की स्पीड में भाग रहा है। ऐसे भागता रहा तो यही जीतेगा। अरे तुम तो इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा ब्रिज उड़ा दिया। तुम तब तक फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकते जब तक ब्रिज को ना पार करो। मैंने तो पार कर लिया है। अब जीतूंगा तो मैं ही। चलो बाय बाय, चलता हूँ। फुकरो कोजी को मैं ये रेस जीतने नहीं दूंगा। मैं तैर कर ये रेस जीतूंगा। मानना पड़ेगा, किसी भी मुश्किल के सामने ये तो हार ही नहीं मान रहा। वो फुकरो कोजी बार बार चीटिंग कर रहा है, लेकिन बाका दाई सचमुच फोर्स का हीरो है। मैं इनमें से किसी को भी रेस नहीं जीतने दूंगा। पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, जल्दी आ जाओ। ये नदी में तूफान कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? वो आ रहे हैं, तुम बस देखते जाओ। इतने सारे कछुए, ये तो उनका पूरा का पूरा खानदान है। जो मैं कहता हूँ वो करो। मम्मी पापा के ऊपर चढ़ जाओ और उनके बच्चे उनके ऊपर। ऐसे लेयर बना के भागते रहो और हम तुम पर भागेंगे। ऐसा करने से हमें दादा दादी कछुए, मम्मी पापा कछुए और बच्चे कछुओं की स्पीड मिलेगी जो कि सुपर फास्ट है। ये कछुए यहाँ कैसे आए? तेरी दादा बार बार। मैं केले की शक्ति से भागूंगा। सारे प्लेयर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। अब तो मेरी जीत पक्की। तुमने दिमाग लगाकर रेस पूरी की है। जाओ जीत जाओ पुचामा। मैं सोच रहा हूँ फिनिश लाइन पार करने से पहले एक फोटो हो जाए। मैं जीत गया। वाका दाई तुमसे रेस जीत गया। समायोचन। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं अपना डायमंड अपने फेवरेट दोस्त को दूंगा। डायमंड पसंद है। तो बोलो, मेरी दोस्ती मंजूर है चामा? तुम बहुत क्यूट हो चामा। तुम्हें देखकर मुझे मेरे छोटे भाई की याद आती है। तुम्हारी पोनीटेल कितनी क्यूट है। चामा से दोस्ती करनी है? मैं तुम्हें अपना डायमंड दूंगा और तुम्हें चॉकलेट भी खिलाऊंगा। चलो मेरे साथ मेरे छोटे भाई। नहीं, नहीं।